एक्सपल्स 200 4V का चेन स्प्रॉकेट, जैसे ये पूरा एक्सपल्स 2 देख लो, तुरंत कैचअप कर लेता। 80 देखो, देखते ही 80 चले गई तुरंत। 80 और 100 तो कभी भी केट लेती डरे। गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल चैम 389 पे। और आज अपना एक यूनिक व्लॉग है, क्योंकि अपन ने बाइक में अपना चेन सेट चेंज कर दिया है। चेन सेट अभी अपडेट कर दिया अपन ने यूनिकॉर्न 150 का चेंज करके एक्सपल्स 200 4V का लिया है। यही देख रहे हैं कि कितने सेकंड में जल्दी चले जाती है। देखो अभी स्पीड तुरंत कैचअप कर लेता। 80 देखो, देखते ही 80 चले गई तुरंत। 80 और 100 तो कभी भी केट लेती डायरेक्ट। ये फर्क पड़ता है चेन सेट चेंज हो करने के बाद। पिकअप तुरंत पकड़ ले रही है अभी। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा कि आज यूनिकॉर्न नहीं बल्कि 200 सीसी की कोई बाइक चला रहा हो ऐसा। मतलब तुरंत कैचअप पकड़ रही है। लेकिन इस स्पीड, भारी स्पीड को संभालने के लिए मुझे लगता है ब्रेक भी चेंज करने पड़ेंगे, डिस्क ब्रेक लगाने पड़ेंगे पीछे वाले, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि कुछ ही सेकंड में देखो 60 तो ऐसे ही, मतलब 60 और 80 तो उसने कुछ इज्जत ही नहीं कोई ऐसा बना दिया बस वो चेन सेट ने। पुराना वाला चेन स्प्रॉकेट कम से कम 8-9 महीने से मैं उसको घिस रहा था, पूरा खराब हो चुका था। अब जाके थोड़ा मौका मिला, पिछले हफ्ते ही कई दिनों पहले से ही मैंने चेन स्प्रॉकेट खरीद के रखा था। अभी का लेटेस्ट एक्सपल्स 200 4V उसका चेन स्प्रॉकेट मैंने चेंज किया है, अपनी यूनिकॉर्न में डाल दिया। चलो भाई कौन है, स्पीड एकदम जबरदस्त है। स्पीड का तो कोई जवाब ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब हवा में उड़ रही है बस बाइक। ये देखो अभी स्पीड देखो कैसे 80 के ऊपर आराम से चली जाती है एकदम। अस्सी और 100 तो ऐसे ही चुटकी में चुटकी, पर अपने को इतना नहीं भगाना है। बस एक ट्रायल लिया था अपन ने एक्सपल्स 200 4V का चेन स्प्रॉकेट सक्सेसफुल होगा क्या, मतलब सक्सेसफुल हो गया। देखो 80 100 खत्म, यू चुटकी में ही आ जाता है इसका स्पीड तुरंत 100 पे। कहा अपन बड़ी बड़ी बाइक लेने का इतनी जल्दी सोच रहा था मैं, खाली एक चेन स्प्रॉकेट बदलने के बाद इतना चेंज हो सकता है मुझे पता भी नहीं था। मेंटेनेंस तो रहेगा चेन स्प्रॉकेट का, अच्छा खासा मेंटेनेंस रहेगा, लेकिन वो चलेगा ऐसा थोड़ा सा फील देने के लिए वो तो चलेगा। बड़ा सा टर्न है इस फ्लाईओवर पे, धीरे धीरे एक एक करके अपन इसमें मॉडिफिकेशन करते जाएंगे। आधा एक्सपल्स 200 4V बनाने का पूरी चाहत है अपने इसमें कि आधा तक बन जाए पूरा। मतलब जैसे अभी ये तो बन गया, चेन सेट तो बैठ गया इसमें, अब दूसरा जो है मुझे लगता है कि इसमें शॉक ऑब्जर्वर बैठ जाए ना तो बहुत एकदम मेरे लिए तो इससे ज़्यादा और कुछ कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इस बाइक में उससे ज़्यादा मॉडिफाई करने की सीट वगैरह वो तो एडिशनल होते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखना किसी तुरंत कैसे पावर पकड़ लेती है, 80 पे देखना कैसे तुरंत चली जाती है, कोई मतलब उसका लिमिट ही नहीं है। ये होता है पावर जब आप चेन स्प्रॉकेट चेंज करो।
पार्किंग की जगह ही नहीं मिल पा रही आज तो मुझे जरा सी भी। थोड़ी सी जगह लेके मैं सोच रहा हूँ कि अपना चेंज प्रॉफिट यहीं पे दिखाने की कोशिश करो, लेकिन जगह ही नहीं मिल रही है कहीं पे। आज तो बहुत ही ज़्यादा खचाखच भरी हुई भीड़। जावा, रेट्रो लुक वाली जावा थी ये, रहा कौन है एडीवी एक्सपोस। बाइक तो शानदार थी यार, 390 थी या 793 एडवेंचर पता नहीं, KTM। भाई आज पार्किंग करने के लिए मिलेगा कि नहीं अपने को? ओ मर गया, पार्किंग करने का जगह मिल गया बस। हेलो गाइस, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चैम्प क्रिएटेड 9। आज का व्लॉग स्पेशली अपन ने बाइक के ऊपर निकाला था, बाइक का मॉडिफिकेशन क्या किया उसके बारे में बात करना था। तो मैं दिखा देता हूँ क्या मॉडिफिकेशन किया बाइक के ऊपर। एक मिनट, मॉडिफिकेशन अपन ने ऐसा किया है कि एक्सपल्स 200 4V का चेन स्प्रॉकेट, जैसे आप देख सकते हो, ये पूरा एक्सपल्स 200 का 4V का चेन स्प्रॉकेट है। जैसे अभी मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, ये इसका एंगल ठीक है। अब इसका साइज देख लो, हाथ के साइज से भी बड़ा है पूरा। और जबकि पहला आता था वो सिर्फ इधर तक ही रहता था, इधर तक बस, इधर तक ही था वो चेन स्प्रॉकेट। अब देखो कितना बड़ा हो गया, मुझे डायरेक्ट ब्रैकेट खोलना पड़ा उसके लिए। ये चेंजेस था मैं दिखाने के लिए तो कोशिश कर रहा था। और स्पीड का तो पूछो ही मत, स्पीड तो मतलब ऐसे भागता है वो कि मान लो ये इधर है, उसी सेकंड में बस ऐसा हो जाएगा 80 पे। सेकंड्स का तो देखा नहीं मैंने, उसका अनुमान तो नहीं लगा है, लेकिन स्पीड बहुत बहुत बढ़ गया है। ये था अपना पहला मेजर मॉडिफिकेशन अपनी यूनिकॉर्न के लिए। अभी कैसे दिख रही थी वो तो नहीं पता अपने को, आप कमेंट करके बताना ज़रूर। ओपन चेन कैसे दिख रही है यूनिकॉर्न, आपको फिर से अंदाज़ा लग जाएगा देखने के बाद क्या हुआ है उसमें एक्चुअली चेंज। साइज़ पहले कितना था और अभी कितना हो गया, ठीक है। आप अगर देख पा रहे हो कि ये है इसका चेंज प्रॉफिट का साइज़, पहले क्या था और अभी अपन ने इसमें क्या कर दिया। जैसे आपको मेजर चेंजेस दिख रहे होंगे, क्या चीज़ एक स्पीड लिमिट भी दिखाऊंगा मैं कि उसमें कैसा स्पीड लिमिट हुआ है और कैसा स्पीड बढ़ा है, उसके बारे में। अपन बाइक पे दिखाए तो है, लेकिन फिर से लगे तो दूसरे वाले बीच पे जाऊंगा तब दिखा दूंगा। मेरे को कई बार किसी ने पूछा था कि कौन सा कैमरा, ये है फिटस्पार्क रियल EIS, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन वाला फिटस्पार्क। ये मैंने ख़रीदा था अमेज़ॉन से, ऐसा है इसका फीचर्स। जो भी आप अपना बाइक पे जो भी वीडियोस देखते हो सब इसके ऊपर ही है। इसका माइक है अंदर, माइक भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इसका जो माइक है ये अंदर है, ये रहा है माइक, ये इसका माइक है। इससे जो भी है अपन बातें करते हैं, ये अपना माइक सेट। और इसी का मेमोरी कार्ड है इसके अंदर, मेमोरी कार्ड में मतलब अभी तो फ़िलहाल मेमोरी कार्ड में ही अपन से निकाल देते हैं उसका डाटा मोबाइल में ट्रांसफ़र करके, और फिर मोबाइल में एडिटिंग होता है अभी तो फिलहाल। दूसरा कुछ अभी अपन ने लैपटॉप वगैरह तो कुछ यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मोबाइल में ही हो जाता है। 2.7K का क्वालिटी दे देते हैं अपन उसमें, तो उसमें सफिशेंट रहता है। 4K का तो अभी तक किया नहीं, 4K तक उसके लिए तो बहुत बड़ा लगेगा अपने को सेटअप, अभी तक तो वो सब किया नहीं है फिलहाल। बाद में अगर देखेंगे तो होगा, अगर उसमें तो करेंगे अपन। चलो ठीक है, फिर राइड लेते हैं, मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग बोर्ड पर।